क्या बहू बन के घूम रही है देखो ऐसी चाय बना पीते ही ना तेरे मतलब झूम उठे कितना है 99 पर है तुम्हें हल्का फीवर तो टाइम हो गया है 6:42 और रूरू अभी सो रही है और डीवी का अभी बुखार चेक किया बट अभी ठीक है चलो। और आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, मैंने मठा और दही को मिक्स कर लिया है क्योंकि दोनों थोड़े थोड़े रखे हुए थे, उसमें मैंने यहाँ पर लगभग एक छोटा चमचा बेसन डाला है, उसको मिला लिया है अच्छे से। कढ़ी बनाना मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आता है कढ़ी बनाने में। थोड़ी सी हल्दी डाल दी मैंने इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, और फिर दोबारा से इसे मिक्स करूँगी और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देंगे जिससे जितना बेसन है वो थोड़ा सा फूल जाए, मतलब ज़्यादा बेटर बनती है अगर 10-5 मिनट भी रख दिया जाए ना ऐसे। वैसे इंस्टेंटली बना लेती हूँ मैं बट अच्छा लगता है ऐसे बनाना। साथ में मैंने बेसन में यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ डाली है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और नमक डाल के मैं पानी मिला के इसमें रख दूंगी। ये पकौड़े का बैटर मैं रेडी करके अभी जा रही हूँ, फिर 15-20 मिनट बाद काम करके तब देखूंगी इसको। तो मैंने ढक के रख दिया है इसको यहाँ पर और अब मैं यहाँ पर रूरू के लिए एक रूरू का मैं ड्रिंक बनाती हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर सौंफ भिगो रही हूँ। साथ में मैंने कुछ छुआरे भी डाल दिए हैं, कुछ बादाम भी डाल दिए हैं, थोड़ी सी इलायची डाल दी है, बहुत ठंडा यू नो मिल्क में डाल के बनाती हूँ मैं इसके लिए। भिगो के मैंने इसको छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए अभी और ढक के इसे लगभग मैं 6-7 घंटे भिगो के रखती हूँ, फिर शाम के टाइम उसके लिए बना दूंगी। तो अभी मैं गर्म पानी लेके जा रही हूँ अपने और डीवी के लिए क्योंकि डीवी का खूब हल्का गला खराब है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और अभी बज रहे हैं 9 और हमारा काम खत्म हो चुका है, हमने अपनी शूटिंग खत्म कर ली है, खाने की तैयारी भी हो चुकी है, अब हम खाना बनाएंगे और रूरू बेबी भी जग चुकी हैं। चोटी दिखा दो अपनी, वो वो चुंडीदार, तुमको समझ नहीं आ रहा है तुम ही हो, वाह वाह मैं क्या लग रही हूँ मम्मा आज, आई एम लुकिंग सो क्यूटी पाई। चलो भाई आज के दिन की अच्छी शुरुआत हुई है, थोड़ा जल्दी जगने की कोशिश की है 6:30 और देखते हैं टाइम के साथ मे भी थोड़ा सा तरक्की करेंगे और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो जब तक मैं वीडियो बना रही थी तो मम्मी ने इसको गैस पे रख दिया है तो ये काफी कड़ चुकी है अभी तक और कंसिस्टेंसी की काफी अच्छी होगी, अभी थोड़ी देर और चलाएंगे तब तक मैं तड़के को रेडी कर लेती हूँ। अरे वाह आज तो मम्मी ने लहसुन में रखी हुई थी वो भी छील दी है, प्याज भी छील दी है, क्या बात है। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं अपना। तो ये मैंने एक बड़ा आलू कस लिया है और एक यहाँ पे लगभग आधी मैंने प्याज काट ली है पतली पतली और उसको मैं इस बैटर में मिला दूंगी जो कि मैंने पकौड़े के लिए रेडी किया था और उसे अच्छे से मिक्स करूंगी लगभग 1-2 मिनट के लिए, फेंटना है इसे अच्छे से। आलू से क्या होता है कि पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं, मेरी मम्मी की ट्रिक है, इसकी वीडियो मम्मी ने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है ऑलरेडी कड़ी की, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो डिटेल वीडियो चाहिए तो। बाद में मैंने इसमें नमक डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स करके और मैंने इसे तेल में डाल दिया है यहाँ पर और अब मैं छोटे छोटे पकौड़े बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी में डालने के लिए। और ये जो प्याज और आलू वाले पकौड़े होते हैं इनका फ्लेवर भी कड़ी में काफी अच्छा आता है, सो आपको ट्राई करना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, दादी पढ़ा रही है आपको, क्या पढ़ रहे हो आज तुम? कुछ लिख रही है बेबी। क्या लिख रही हो भला तुम इसमें? पेंसिल चला बता दो ना, पेंसिल तो तुम्हारी चिली हुई नहीं है पर। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. लिखो लिखो चुपचाप जल्दी से, A B C D. ऐसे अनार ऐसे आम, लिखो। नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे? अच्छा दूसरे पेपर पे लिखोगे? नहीं हमें लिखना ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ाई करनी। पकौड़े बना के जनरली मैं छन्नी पे रख देती हूँ तो जितना भी थोड़ा बहुत ऑयल होता है वो नीचे निकल जाता है। पकौड़े हमारे दूसरा बैच भी लगभग बन के रेडी हो गया है। अब मैंने लहसुन को कूट लिया है और प्याज को पतला पतला काट लिया है यहाँ पर और मैंने तड़का लगा दिया मेथी जीरा और ये सब डाल के और ऊपर से मैंने कढ़ी मिला दी इसमें और थोड़ी देर मैं अभी से और चलाऊंगी लगभग 10 मिनट क्योंकि ये थोड़ी मुझे पतली लग रही थी अभी भी। और ये बन गई हमारी कढ़ी, आज का खाना है ये पूरा का पूरा। तो इस लड़के की तीसरी कटोरी है कढ़ी की, कढ़ी बहुत पसंद है तुम्हें, फेवरेट है तुम्हारी, तुमसे भी ज्यादा। ओह माय गॉड। सो गाइज दिस इज डे 14 ऑफ 100 पुशअप चैलेंज फॉर 30 डेज। तो मैं पहले ही शीशा साफ कर रही हूँ, बहुत गंदा हो गया, रूरू हाथ लगा देती है डेली इस पे और मेरे पुशअप्स अभी थोड़े से बेटर हुए हैं पहले से और अब मैं घुटनों पे भी नहीं कर रही हूँ, सो इट फील्स गुड और अभी तक तो सब सही चल रहा है। तो आज हो रहा है डीवी को, वैसे फीवर हुआ तो नहीं है पर ऐसे फीवर जैसे लग रहा है, लग रहा है ना तुम्हें जॉइंट्स में, तो इसलिए आज मैंने बोला कि तुम एक्सरसाइज मत करो वरना और प्रॉब्लम होगी। तो मैं डीवी के लिए चाय बना के लाती हूँ क्योंकि डीवी को चाय पीनी है। अरे मटकू तुम तो बहुत ही चुन्ना लग रहे हो भाई, इतने प्यारे इतने प्यारे। चलो 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 पसीना पसीना गर्मी मेरे बेटे को। चलो चलो मम्मा आ रही है।
तो ये मैंने रूरू के लिए और मम्मी के लिए बादाम छुआरे और सौंफ वाला दूध बनाया है, और दिवेश के लिए बन रही है चाय। अभी मम्मी शायद चाय पियेंगी और बाकी मैं रख दूंगी तो वो बाद में ले लेंगी। तो मैं रूरू के लिए वाला दूध तो बनाती रहती हूँ क्योंकि गर्मियों में गर्म दूध पसंद नहीं, ठंडा ही पीती है वो। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा फ्लेवर भी आ जाए, इसमें इलायची भी डाली है मैंने और चाय भी बन गई है। चलो लेके चलते हैं। तो मेरा सेटअप देख के शौक मत होना क्योंकि आज मैं और मम्मी एक वीडियो शूट करने वाले हैं, बढ़िया सी मस्ती एकदम। हम शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलके क्योंकि मम्मी का भी टाइम पास नहीं होता, वो भी घर पे बोर होती रहती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना मम्मी को भी इन्वॉल्व किया जाए, और मम्मी का मन भी था और मेरा भी मन था, तो हमने साथ में मिलकर शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। आज से आज हमारा पहला दिन है तो हम सास बहू वाले शॉर्ट्स बनाएंगे। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। चलो बनाते हैं जल्दी से। रूरू नींद से आ रही है। बहू जी माँ जी नींद सी आ रही है। कैमरा मैन डिटार करो। इतने गड़बड़ जाते हो। रूरू नींद सी आ रही है। बहू जी माँ जी ऐसी चाय बना पीते ही ना तन मन झूम उठे। हाँ तो भाई हमारा एक शॉट जो है वो बन चुका है। अभी हम दूसरे की तैयारी कर रहे हैं तो मम्मी आइडिया दे रही है क्या बनाना चाहिए, और रूरू बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। क्यों करते हो ऐसा भला? मैं डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरी वजह से तो शॉट बनने है भाई। सही बात। और कुछ तुम्हारी वजह से। इसे देखो, इसे देखो, देखो इधर देखो, मुझे नहीं इधर देखो, क्या बहू बन के घूम रही है। देखो इसे अच्छी तो लग रही है। देखो गमी हो रही है। यानी मम्मा को क्या हो गया आज? तो हमारा शॉट खत्म हो गया एकदम, और काफी चीजें हमने दो शूट किए मेरे रूरू वाले चैनल के लिए और एक किया दिवेश के चैनल के लिए। चाइल्ड लेबर से ज्यादा है। चाइल्ड लेबर के लिए फ्रूट्स लाने हैं। फ्रूट्स भी खाती है। पापा सब्जी भी आनी है। सब्जी खत्म हो गई हमारी शादी। जो मैं इतना काम करी तो फ्रूट नहीं खिलाओगे मुझे? तो खिला दो मुझे। मैं झाड़ू लगा दी पूरे घर में और झाड़ू को तोड़ भी दिया। कर दिया काम। कैसे कैसे ले रही है। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। साथ साथ जो मैंने शॉर्ट दिखाया वो मैंने अपलोड कर दिया है आज ही, तो चेकआउट कर लेना जाके। आई होप कि आपको पसंद आए। और बस ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।